पर पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो एक युवा महिला पक्का परेशानी को बुला रही है, समस्याएं होंगी। पर अगर आप सिर्फ जिम में मांसपेशियां बनाकर फिट दिख रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप सही तरह से योग करते हैं तो आपके भीतर मौजूद शरीर के बुनियादी रसायनों को संतुलन में लाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही समाधान है, वरना। आज की दुनिया में जैसा सामाजिक ढांचा है, जिस तरह से जीवन के कई पहलू व्यवस्थित हैं, उसकी वजह से महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ इसीलिए कि प्रकृति ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए एक बहुत ही विस्तृत सिस्टम दिया है। हम सभी किसी महिला के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, तो अंदर एक विस्तृत व्यवस्था है। अगर आप अतीत को देखें तो आमतौर पर महिलाएं 15-16 साल की उम्र से अपनी जीवन की प्रजनन प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर देती थीं। तो प्रजनन अंगों का एक तरीके से उपयोग होता था। इस वजह से महिलाएं वैसी चीजों का सामना नहीं करती थीं जैसे आज कर रही हैं। एक और कारण ये है कि पुरुष और महिला दोनों ही शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते थे। शारीरिक मेहनत की वजह से पेट के आसपास कभी कोई चर्बी नहीं होती थी। कम उम्र में अगर कोई लड़की पेट पर चर्बी जमा कर लेती है तो वो खुद परेशानी को बुलावा दे रही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ये जीवन के कई वांछिक और दूसरे पहलुओं पर निर्भर करता है कि ये कब होता है, पर पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो एक युवा महिला पक्का परेशानी को बुला रही है, समस्याएं होंगी। शायद वो ऑफिस में काम करती हैं, इसीलिए पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं होती, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं है। अगर आप किसी खेत में काम करती हैं तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप जिन समस्याओं की बात कर रही हैं वो ज्यादातर शहरी महिलाओं में हो रही हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधि कम है। भले ही वो सुबह आधा घंटा या एक घंटा व्यायाम करती हैं, पर बाकी समय वो बस बैठी रहती हैं। तो इस वजह से उस हिस्से में पर्याप्त गतिविधि नहीं होती, ये एक वजह है। दूसरी बात यह है कि प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता, ये एक और वजह है। तो अगर आप अपनी प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर रही हैं, यानी अगर आप 21 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको हठ योग जरूर करना चाहिए। अगर आप जिम करते हैं या दौड़ते हैं, ये वो करते हैं, दौड़ना फिर भी ठीक है, पर अगर आप सिर्फ जिम में मांसपेशियां बनाकर फिट दिख रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। आपको तीव्र हठ योग करना चाहिए। 12 साल की उम्र से अगर कोई बच्ची हठ योग करना शुरू कर देती है तो ये सभी समस्याएं जिन्हें ज्यादातर लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और अपने भीतर विकास के हर चरण से बहुत ज्यादा संघर्ष से होकर गुजरते हैं, ये लड़कियां उनसे बिना किसी दिक्कत के होकर गुजरेंगी। तो ये होना चाहिए कि अगर किसी महिला के प्रजनन स्वास्थ्य को बिना प्रजनन के अच्छी स्थिति में बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें की जाएं, और आप इसके लिए जो कर रही हैं उसका ज्यादातर हिस्सा आपके सीने या पेट के हिस्से पर केंद्रित होना चाहिए। इसकी एक तरह से कसरत होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो हठ योग की तरह इस पर काम करती है। हठ योग की प्रणालियां इस पर काम करेंगी और ऐसे विशेष आसन और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सिखाया जा सकता है। अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होगी, जिसकी संख्या दुर्भाग्य से बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। अगर आप सही तरह से योग करते हैं तो आपके भीतर मौजूद शरीर के बुनियादी रसायनों को संतुलन में लाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही समाधान है, वरना ये चीजें बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज मुझे लगता है कि ग्रामीण आदिवासी सभी प्रकार की महिलाओं को मिलाकर मेरे ख्याल से बच्चे पैदा करने की औसत उम्र 22 के आसपास हो गई है, पर मुझे विश्वास है कि अगले 25 सालों में ये शायद 35 हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये 35 तक पहुंच जाती है और महिलाएं खुद की देखभाल नहीं करती हैं, तो युवा महिलाओं में ऐसी समस्याओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अपना ख्याल रखने का मतलब दवाएं लेना या डॉक्टरों के बारे में नहीं है। आपको योग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि शरीर में एक तरह का संतुलन आए, सिस्टम में रासायनिक संतुलन हो, सिस्टम में हार्मोनल बैलेंस हो, जिससे सभी ग्रंथियों का स्त्राव अच्छे से और संतुलित तरीके से हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें ये गैर जरूरी बीमारियां नहीं होंगी। योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे। हम बहुत सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं,
आश्रम के अंदर गाड़ियां नहीं है, वो एक बड़ी जगह है, सभी या तो चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए भी आधे से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस तरह लोग हर समय शारीरिक काम करते रहते हैं, तो हर कोई दोपहर 3:30 या 4 बजे तक काफी भूखा होता है, वे काफी भूखे होते हैं। लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना दो अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है, लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आप करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि शोध सिर्फ इसी बारे में है कि कितने लाख डॉलर। ये ऐसा ही है, आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में हमेशा खाली हो जाए। तो हम हमेशा भूखे सोने जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे सो नहीं सकते, सो सकते हैं। शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो, यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। पहली चीज है शरीर में आलस्य। आलस्य के कई स्तर होते हैं, अगर आपने उन सभी पर ध्यान न दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है। बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है, क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। देखिए, सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं, सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है। अगर कुछ परेशानी हो तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं। हर समय अगर आपको कोई परेशानी है, मतलब क्या आप एक खराब मशीन है? हाँ, हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, इसे सेहत के लिए बनाया गया है। आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है, है ना? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, सिवाय आपके। तो योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है।